नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रिंजल प्लांट्स को प्रूनिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा जो ये स्थलपद का पौधा है, जो प्लांट है, ये मैंने करीबन डेढ़ महीना दो महीना हो गया इसको प्लांटेशन करते हुए। तो इसको इसके बाद जो है दोस्तों, इसमें देखिए ये पूरे जो जितना ये जो ग्रोथ हुआ है, ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है और साथ में इसको ये बड्स भी आना शुरू हो गया। तो ये देखिए बड्स हर ब्रांच में आपको बड्स देखने को मिलेगा। तो ये जस्ट आपको मतलब कहना दिखाने के लिए इसका जो डेवलपमेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हर ब्रांच में जो है इसका बड्स आपको नज़र आएगा और अच्छी तरह मतलब जो है ये मैं शुरू से देख रहा हूँ, मतलब 10-15 दिन से ये जो है बड्स को एवरी डे मैं वॉच कर रहा हूँ कि कितना ये बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों इसका अपडेट्स मैं आगे भी आपको देता रहूँगा, जैसे मतलब कहना कुछ दिनों में अगले दस पंद्रह दिन में शायद ये खिलेगा तो आपको फिर दोबारा जो है अपडेट्स मैं आपको दिखाऊँगा। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों ये मैं दिखाऊंगा कि मेरा जो जामरूल का पौधा है, ये देखिए ये कितने बड़ा हो गया। ये कम से कम 6.5 फीट मतलब क्या ना ज़मीन से लेके ये 5.5 फीट का लंबा हो चुका है। और इसमें जो है मैं 2 साल से इसमें जामरूल आ रहा है। तो इस बार का जो जामरूल था मेरा करीबन 15-20 जामरूल इसमें लगे थे। तो और अच्छा वाला जो है ये बड़ा साइज़ का है और लाल कलर का जामरूल, बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों देखिए ये नया पत्ता है, इसमें मतलब न्यू लीव्स आ रहा है अभी, और साथ साथ मतलब इसका जो कीड़े का भी मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। ये नया लीव्स जो है इसको खाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ दो मतलब बहुत सारा लीव्स जो है ये कटा हुआ है और मतलब लीव्स जो है खाया हुआ है। तो इसको मतलब पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा, साथ में देखना भी पड़ेगा कौन सा कीड़ा कैसे मतलब कहना है उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है मैं दिखाऊँगा एक जो है ये मेरा लेमन का ट्री है, इसमें करीबन 2 साल से ये लेमन मतलब इसमें आ रहा है। लेमन मतलब ज़्यादा नहीं आया लेकिन फिर भी बहुत सारा फूल आया था इस बार, उसमें से ज़्यादा मतलब कहना फूल बचा नहीं है। तो लेमन कम ही आया था, 2-3-4 लेमन जो है लास्ट मतलब कहना इसमें से लेमन मैंने हार्वेस्ट किया था। इसके बाद जो है इसका जो ग्रोथ है अभी ठीक ठाक चल रहा है और अगले बार उम्मीद करता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा लेमन मुझे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप साथ साथ उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरा जो आज का जो वीडियो है, मैंने बताया आपको जो ब्रिंजल प्लांट्स को प्रूनिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैंने 15-20 दिन पहले जो है इसको मैंने प्रूनिंग किया था, साथ में हार्वेस्टिंग भी किया था। उस हार्वेस्टिंग के बाद मैंने बताया था कि जो इसके बाद जो है एक भी ब्रांच में फूल नहीं है, तो इसको प्रूनिंग करने से तभी जाके ये फिर नेक्स्ट जो है ये फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा और ये भी ब्रिंजल भी इसमें से मिलेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने प्रूनिंग किया था, हर ब्रांच को प्रूनिंग कर दिया था। ये देखिए यहाँ से प्रूनिंग किया था, ये वाला यहाँ से प्रूनिंग किया था, तो ये भी प्रूनिंग किया था, ये देखिए यहाँ से प्रूनिंग किया था। और अभी मैं दिखाऊँ हर ब्रांच में जो है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया। ये देखिए फ्लावर है, ये देखिए इसमें भी फ्लावर है, ये इसमें भी फ्लावरिंग, ये देखिए ये फ्लावर है। तो हर ब्रांच में आपको अभी जो है ये फ्लावर नज़र आएगा और ये जो है ब्रिंजल अभी इसमें बहुत सारा लगेगा। तो दोस्तों ये प्रूनिंग करने से तभी जो है नया ब्रांच, अगर आपको ब्रिंजल प्लांट्स अगर पुराना है, अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, ब्रिंजल नहीं आ रहा है, तब उसको आप अच्छी तरह प्रूनिंग कर दीजिए। देखिए हार्ड प्रूनिंग ही किया था, हर ब्रांच को मैंने काट दिया था। तो उसके बाद जो है नया ब्रांच, ये देखिए नया ये सारा जो है नया ब्रांच निकला है। उसके बाद देखिए ये पूरा सारे के सारे ब्रांचेस मतलब ऑल ब्रांचेस में आपको फ्लावरिंग मिलेगा। तो बहुत दोस्तों मेरा जो मैंने कहना था, मैंने जो बताया था आपको कि प्रूनिंग करने से तभी मतलब इसमें फिर से दोबारा फ्लावरिंग होगा और इसमें ब्रिंजल भी आएगा। तो दोस्तों देखिए ये शायद मतलब कहना आप अगर पिछले वाला जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पिछले वाला वीडियो का जो लिंक है मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपका वो जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूँगा और आई बटन पर भी डाल दूँगा, एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगा। अगर आपको देखना है तो वीडियो आप देखिए, हार्वेस्टिंग प्लस प्रूनिंग की वीडियो जो है मैं आपको लिंक
उसको मैं डाल दूँगा। तो उसको देखने से ही आपको पता चलेगा कि हार्वेस्टिंग के बाद कैसे मैंने प्रूनिंग किया था। और उस दिन भी मैंने बताया था कि प्रूनिंग करने से तभी फिर इसको दोबारा फ्लॉरिंग होएगा और दोबारा जो है इसमें ब्रिंजल लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको दिखाया पूरा जो है पूरा ऑल ब्रांचेस में मतलब इसका फ्लॉरिंग स्टार्ट हो गया और ये दोबारा से ब्रिंजल इसमें स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में जो है ग्रोइंग बैग जो है मैंने ये चावल का बैग में मैंने इसको ग्रो किया, तो ये भी मतलब कहना अपने आप पे एक बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि अक्सर हम ये जो बैग्स है मतलब कहना प्लास्टिक का बैग्स है इसको हम फेंक देते हैं, तो उसी को यूज़ करके आप जो है सब्जी घर पे उगा सकते हैं। आपको जो मेरा अपडेट्स है मैं आपको दिखा दिया, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी से आपको पसंद आया। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।